हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और यार, अभी रेडी शेडी हो चुका हूँ और जा रहा हूँ फिर से आज यूनिवर्सिटी के लिए। यार, आज कल तुम्हारा भाई ना रोज़ यूनिवर्सिटी जा रहा है, क्योंकि यार जाना है ना, एक दो क्लासे लेनी है ना, घर वाले नहीं जाऊँ तो घर वाले पाते रहना बाबा, इन्हें रहे डेली जाते हैं यूनिवर्सिटी। सो पॉइंट के वक्त मिलते हैं। इस आरामी का मैंने इतना वेट किया है भाई, सीएल पे खड़े होके होके बहुत तंग हो गए यार। सीन कुछ ऐसा था ना कि क्लासेस तो अपनी हो गई। हाँ, क्लासेस हो गई और अभी हम फारिग बैठे थे तो सोचा कि यार अभी हम जा रहे हैं सिंधोलॉजी के डिपार्टमेंट। नहीं है ये, वो है अपना, इसको क्या बोलते हैं भाई, म्यूजियम। म्यूजियम, हाँ, सिंधोलॉजी। अच्छा। म्यूजियम पहली बार हम खुद जा रहे हैं। समझ रहा हूँ कब से डिपार्टमेंट एक है। एक साल खुआरी करने के बाद हम भी आज ही जा रहे हैं, इसमें पता नहीं क्या क्या होगा। पहली दफा सुना था भी ये रहा सिंधोलॉजी। ये कौन है वे शशि पन्नू शायद, वो सामने म्यूजियम देख, बच्चियाँ बच्चे तस्वीरें तस्वीरें बना रही है, वो देख सामने। अरे हरामी सीन हो रहा है इधर, पूरा दिखा ना उधर का कैमरा। तो उस्ताद अंदर चल के दिखाते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये क्या है भाई, एक मस्जिद है क्या? वो देख मम्मी, अरे वो कदीम पेंटिंग है शायद। अबे किस चीज़ की है ये? पता नहीं है तो पता नहीं क्या। टिकट ले लिए इनकी 20 रुपये का, मतलब 40 रुपये हमने आज इन चीज पे खर्च किए म्यूजियम देखने के लिए। व्हाट, ओए होए होए होए, ये कौन है? मोहम्मद यूसुफ चांडियो, पॉलिटिशियन। तो भाई म्यूजियम में हर चीज रखी होती है ना। ये कौन है? पेन भी पड़ा है। पेन तो, अबे ये तो अभी वाले पेन है। रेजर भी पड़ा है। वो तो ठीक है, ये तो अभी वाले पेन है, ये इस पे इधर कैसे आए? पता नहीं, रेजर भी पड़ा है यार। पता नहीं क्या करता था। लॉकेट चेक कर यार, वो इसके कपड़े चेक कर भाई। कोई हरामी किस्म का म्यूजियम है ये हमारी, ये चीज़ हमारी सिंध यूनिवर्सिटी में ये खास है, यही तो चीज़ खास है। पता ही नहीं था हमारी सिंध यूनिवर्सिटी में ये। हाँ, ये हम आज आज ही दे, मतलब एक साल हुए हमें गुजर गए, हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता यार। ये क्यों हम, मतलब क्या करने आए यहाँ पे हम? पहले फर्स्ट पूरे एक साल हमने ऐसे गुजारा है कि क्लास लेते हैं, क्लास लेके फौरन मतलब यहाँ तो बैठे रहते हैं या फिर निकल जाते हैं घर के लिए कुछ ना। हम बॉटनी डिपार्टमेंट के। नहीं ना अबे, वो गलती नहीं है। देख हम आए ना इधर, थोड़े एक्सप्लोर करें चीज़ों को यार, क्या क्या रखा हुआ है इधर सिंध यूनिवर्सिटी में। एक तो हमने चलो कि ये देख ली, और भी चीज़ें भी तो बहुत होंगी ना यार। खान बहादुर कौन है? अच्छा, खान बहादुर। बोल शेरा है जैसे तेरे को बड़ी इसके बारे में पता है। नाम सुना होगा, नाम सुना है खान बहादुर। वो खान बाबा सुना होगा तूने। अच्छा ये अल्लामा है काजी भाई। अच्छा ये वो गिलोस तक पढ़े हैं भाई। ये वो है अल्लामा है काजी जो सिंध यूनिवर्सिटी का है, बानी बोल रहे क्या है, क्या लिखा हुआ है? ये शेर पढ़ा के दिखा, शेर दिखा, पता नहीं क्या। छोड़ भाई, ये वो है अल्लामा आई आई काजी जिसने मेरे ख्याल से रुक रुक, ही इज द मैन एंड द एलिमेंट सो मिक्स्ड इन हिम दैट नेचर। नो, फाउंडर ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी। अबे नहीं है फाउंडर ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी, द फॉर्मर वाइस चांसलर। अच्छा, हां फॉर्मर वाइस चांसलर, फॉर्मर वाइस चांसलर। इसकी तो सिर्फ ये मूर्तियाँ वूर्तियाँ पड़ी हुई है और तो कुछ भी नहीं। अच्छा, एक कायदे आजम मेमोरियल फंड,
चेकबुक है। बाकी कायदे आजम का ये बाजा नहीं नहीं अबे ये वो है अहमद अली चगला छागला मैं बैठ चुका क्या पढ़ो उसकी जिसने धुन बनाई थी ना। अच्छा अच्छा सुन सुन द ट्यून ऑफ नेशनल एंथम पाकिस्तान। हाँ भाई ये वो है अहमद अली छागला जिसने जो नेशनल एंथम में जो म्यूजिक है ट्यून है ना जो वो इसने बनाई थी और इसी पियानो से बनाई थी। इसी पियानो से ये रहा यार वो पियानो पियाना ये देखो द ग्रेट मैन अच्छा ये वो नमस्कार लग रहा है जैसे हम वाकई है ना ये लोग वाकई रियल में से बैठे हो यार। मैं जूता उतार के सो रहा हूं। हां वो तेरा जूता फटा हुआ ना मेरा जूता फट गया इसको देते हैं भाई कितने का सी के देगा। वही चीजें हैं जो मतलब सिंध के जो कदीम मतलब जो हुक्मरान थे और जो लोग पहले रहते थे यहाँ पे जो यूज करते थे उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें यूज होती थी वो तकरीबन इधर हर चीज़ मतलब ना मौजूद है। अपना सिंधोलॉजी म्यूजियम जो हमारी सिंधी यूनिवर्सिटी के मौजूद है मतलब यार ये चीज़ ना मतलब जेन्युइनली बात बताऊँ के मज़े वाली चीज़ है यार। अलियान मतलब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ पे रह रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं है हम घूमते उमते नहीं हम चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करते यार। मतलब हम एक साल हमने अपना वेस्ट कर दिया हमने ये पहली बार ये चीज़ देख रहे हैं यार मतलब ना डाटो मजो आयो डिपार्टमेंट है तू है ना मेरे को भी यही समझाया गया था। गोरी है ना अपना सीनियर उसने यही बोला था कि भाई सिंधोलॉजी डिपार्टमेंट है उसने भी नहीं देखा उसने भी दो साल गुजारे। हाँ ये मेरे दादी के कपड़े हैं ये तेरी दादी के कपड़े तेरी दादी का बुरखा। तो भाई हमने अभी बहुत एक्सप्लोर कर लिया चीज़ों को मतलब नई नई चीज़ देखने को मिली है यार। कसम खुदा कि जो भी सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना यार यहाँ पे ज़रूर आके मतलब ना चेक करें चीज़ें यार मतलब ना बहुत प्यारी जगह है मतलब ना इधर हर चीज़ आपको यार देखने को मिलेगी जो भी हमारे सिंध में पहले कदीम ज़माने में जो भी हो चुकी चीज़ें यहाँ कदीम चीज़ें हाँ उनकी जो भी उनकी यूज़ में होती थी ना वो सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं ये दे। अरे शादी हो रही है ना अबे ये वो रस्में हैं जो हमारी शादियों में तकरीबन ये रस्में ज़्यादा होती है एक तो सिंधियों की ज़्यादा होती चावल डाल के हाथ में एक दूसरे के हाथ में पकड़ाते हैं पता नहीं चावल ही होते हैं चावल होते हैं फिर एक दूसरे के हाथ में पकड़ाते हैं ये वो देख तू खड़ा है उसको नीचे उतारो। हाँ हाँ ये क्या ये पिक्का बना रहे बट्ठे बना रहे टट्टी ज्यादा लग रही है। तो आज के लिए बस इतना था और मतलब यार आज हमने बहुत इंजॉय किया यहाँ पर म्यूजियम में आकर मतलब ना पूरे साल की हमने समझ लो आज भी हमने कसर निकाली है कि हम कुछ नहीं घूमे और बस आज अच्छा मतलब अच्छा खासा हमने एक्सप्लोर किया हमने सिंध यूनिवर्सिटी को और ब्लॉग को करते हैं एंड। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना भाई वही सामने व्यू चेक कर रहे हैं सामने तो व्यू तो चेक कर दुनिया की हर कदीम से कदीम चीज़ है दुनिया की नहीं भाई जिंदगी ये इसको कुछ पता ही नहीं है। अल्लाह हाफिज़।